हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज फाइनल कॉलेज मेरिट लिस्ट और फाइनल कॉलेज प्रोविजनल लिस्ट। अब इससे पहले ACPC यहाँ पर कुछ दो तरह से आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करता है, कि जिसमें पहला होता है प्रोविजनल। प्रोविजनल कॉलेज की मेरिट लिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है प्रोविजनल की, और उसके बाद यहाँ पर आती है फाइनल कॉलेज की लिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, फाइनल कॉलेज लिस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और इसके से अंदर से आप क्या कुछ डेटा ले सकते हो, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो फाइनल कॉलेज लिस्ट की अभी जो टेंटेटिव डेट निकल के आ रही है वो कौन सी है, 06/06, यानी कि 6 जून को अभी ACPC ने बोला है कि यहां पर आपकी टेंटेटिव डेट होने वाली है आपके यहां पर फाइनल कॉलेज की लिस्ट आने में। तो 06/06 डेट, रिमेंबर द डेट, सेव द डेट, क्योंकि इस तारीख को आपकी यहां पर फाइनल कॉलेज की लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले तो मैं बात करता हूँ प्रोविजनल जो कॉलेज की लिस्ट होती है उसके ऊपर। तो प्रोविजनल कॉलेज की लिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है विदिन 15 days ago। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर प्रोविजनल होता है मतलब वो फर्स्ट रैंकिंग होता है, उसके अंदर एडिट होने के चांसेस है, कुछ नया डेटा ऐड हो सकता है, कुछ कॉलेज की सीट्स कम हो सकती है। ठीक है, फाइनल में जो भी फाइनलाइज हो गया ना कि इतनी सीट है तो इतनी ही फाइनल रहेगी, वो सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि प्रोविजनल के अंदर चेंजेस होने के चांसेस होते हैं, फाइनल के अंदर आपके कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल एंड फाइनल। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि फाइनल और मेरिट फाइनल के अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हो एनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर 120 सीट्स है, और 120 सीट्स पे कट ऑफ है 1800 फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, इतना ऊपर जाता नहीं है, एल डी में समथिंग अराउंड 700 ही रहता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो एल डी में पिछले साल 120 सीट्स के ऊपर कट ऑफ था 1800। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो, 120 सीट्स और कट ऑफ था 1800। तो इस साल आपने यहाँ पर फाइनल कॉलेज की लिस्ट के अंदर देखा कि एलडी के अंदर ये सीट्स 120 से लेके चली गए 120, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स 30 इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर कट ऑफ भी तो ऊपर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पिछले साल का कट ऑफ था वो कितने सीट के ऊपर था, वो कट ऑफ सिर्फ 120 सीट्स के ऊपर ही था, और अब इसमें 120 से लेके 150 तक यहाँ पर सीट्स चली गई है, तो ऑलरेडी 30 सीट्स यहाँ पर ज़्यादा आ चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर 30 सीट्स ऊपर चली गई है, 30 सीट्स ज़्यादा हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर मेरिट में भी चेंजेस आ सकता है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जहाँ पर मैंने जिस तरह से बोला कि 1800 पे उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था और उसका इस साल का कट ऑफ है यहाँ पर 2000, तो इस स्टूडेंट्स के यहाँ पर होप कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितनी ज़्यादा यहाँ पर उसको एडमिशन मिलने के चांसेस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ था 1800, उस स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरिट रैंक जा रहा है 2000 पे, तो इसके नज़दीक बहुत रेंज है। तो इसीलिए यहाँ पर 30 सीट्स बढ़ गई है, तो फिर यहाँ पर आपके एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कॉलेज का लिस्ट का। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल होता है, इसमें अब इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है। इसके अलावा लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर फाइनलाइज फ़ी आपको देखने को मिल जाएगी, कि वो जो फीस लिखी होगी वो यहाँ पर थप्पा लग जाएगा, उस फीस के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता है। बट मेक श्योर करना कि ये ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फीस के अलावा भी आपको बहुत सारी फीस पे करनी होती है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल के आपको समझाऊँ, तो आप जब भी कार देखने जाओगे ना, तब क्या होगा, कार के लिए वो आपको क्या बोलेगा कि ये इसकी प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस है। मान लीजिए कि कोई 1,00,000 की कार है ना, तो अगर मान लीजिए कि उसको आप बोलोगे कि मुझे ये 1,00,000 की आप जो प्राइस बोल रहे हो एक्स शोरूम, तो मुझे वो कार खरीदनी है, तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे, आपको 12,00,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर इंश्योरेंस आएगा, उसके RTO का टैक्स आएगा, स्टेट टैक्स आएगा, रोड टैक्स आएगा, फास्टैग आएगा, बहुत सारे एसेसरीज आएंगी, उसके अलावा बहुत सारे पैकेज रहते हैं। ठीक है, तो जिस एक्स शोरूम के उसने 1,00,000 बोले थे आपको देने होंगे 12,00,000, 2,00,000 बढ़ गए, उसने कहीं पर बोला भी नहीं था बट आपको फिर भी पे करना होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर कॉलेज बोलती है कि इसकी फीस 2,05,000 है, बट इसके अंदर आपको यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम फीस देनी होगी, हॉस्टल फीस देनी होगी, लाइब्रेरी फीस देनी होगी, प्लेसमेंट फीस देनी होगी, वगैरह वगैरह करके बहुत छोटी मोटी यहाँ पर आपको फीस पे करनी होगी। तो ये 2,05,000 है वो प्योर यहाँ पर आपकी ट्यूशन फीस होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कॉलेज लिस्ट पूरी तरह से कवर कर दिया है। आई होप कि आप कुछ इसमें डाउट ना रहा हो, बट अभी आपको इसमें कुछ डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।